हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी, दैट इज़ स्वीट टच का जो है आई शेडो है, ग्लिमर आई शेडो। ये इनकी ग्लैमर एंड शाइन सीरीज़ में आई शेडोज़ जो ग्लिटरी आई शेडोज़ आते हैं, ये उसका एक उसमें से एक शेड है। दिस इज़ वाटर प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग, नो डाउट ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। सो इसकी एक्सपायरी इज़ 24 मंथ्स, 2 ईयर्स तक, यानी कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी प्राइस जो है वो 919 रुपीज़ है। इसमें मल्टीपल शेड्स, 4 से 5 शेड्स आई थिंक आते हैं। इनमें से मैंने एक आपको स्नैपशॉट दिखा रही हूँ, जो कि मेकअप सिटी की वेबसाइट से लिया गया है। और इसमें से जो शेड मैं यूज़ करती हूँ, दैट इज़ ग्लैमर शेड। लाइक ये ग्लैमर शेड एक ऐसा शेड है जो आपका ऑल टाइप ऑफ मेकअप्स के साथ जो है वो चल जाता है। ये किसी भी कलर के आई शेड के आई शेडो के साथ आप क्रीज बनाएं, और ये अगर आप इसको सेंटर में यूज़ करें तो इट मेक्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आई मेकअप। सो दिस इज़ द शेड, इसका नाम ग्लैमर है। और ये एक इतने से बॉक्स जो है ये 919 रुपीज़ के है, बट ये आपका बहुत ज़्यादा चलता है, बिलीव मी। 919 रुपीज़ जो है वो वर्थ हैं ये आपका आई शेडो जो है ग्लिमर आई शेडो परचेज़ करने में। सो दिस इज़ द हाइलाइटर, इसको मैं बहुत बहुत यूज़ करती हूँ। इसको भी मैंने थोड़ा सा यहाँ से जो है वो स्क्रैच करके अपनी किसी DIY में यूज़ किया हुआ है। दिस इज़ द शेड, इफ यू कैन सी फोकस। इसका स्वाच मैं आपको शो करती हूँ, इफ यू कैन सी। वाओ, आई मीन दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और मैं इसको यूजली अपने आई शेड की क्रीज बना के इसको मैं अपनी फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ, और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। प्लस आप देखें, इसमें ग्लिमरी चंक्स अलग से नहीं है, मतलब ये इसके अंदर मिक्स हैं, और ये आपके जो हैं फैलते नहीं हैं। मतलब अगर आप अपने आई शेड पर लगाती हैं तो ये नहीं होता कि ये आपकी आँख के और फेस के ऊपर जो है वो इसके चंक्स फैल जाएं, ये अपनी जगह पे स्टे करते हैं। और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं जब तक आप इसको खुद रिमूव ना करें। मतलब ये आपके शाम तक, सुबह से आपने लगाए हुए तो शाम तक आपके चल जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत कलर है, आप देख सकते हैं। अगर इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड किया हुआ हो तो ये कितना खूबसूरत दिखता है। तो कभी आपने थोड़ी सी ग्लैमर बोल्ड लुक क्रिएट करनी हो अपनी आईज़ की, तो इसके लिए दिस इज़ द बेस्ट बेस्ट हाइलाइटर इन माय ओपिनियन, जो आपको यूज़ करना चाहिए। सो आई होप, ये तो मेरी ब्यूटी प्रोडक्ट, दिस शेड इज़ अ मस्ट मस्ट इन माई मेकअप पाउच, कि जब भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लुक क्रिएट करना होता है आई का, ग्लिटरी सा, शिमरी सा, तो मैं ये वाला जो आई शेड है, ग्लिमरी आई शेड, ये यूज़ करती हूँ। इसमें 4 से 5 शेड्स हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये आपके हर उसके साथ चला जाता है। अगर आपने थोड़ा पिंक की शेड में लेना है तो वो भी इसमें अवेलेबल है, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये स्किन को बिल्कुल ख़राब नहीं करते हैं, बिल्कुल आपकी कोई पिंपल्स कोई चीज़ नहीं क्रिएट करते हैं। अच्छी प्रोडक्ट लेना चाहिए आपकी स्किन के लिए, स्पेशली आपको अच्छी प्रोडक्ट लेनी चाहिए। और ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, ये आपको मतलब जो इनकी प्राइस होती है उसके अकॉर्डिंग ये इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, और प्लस ये आपके बहुत टाइम चल जाते हैं। लाइक 2 ईयर्स इज़ प्रिटी मच गुड टाइम जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं अपने आई शेडोज, ये आपके तब भी 2 ईयर्स बाद भी ख़त्म नहीं होते। आप चाहे इसको जितना एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं आप, या मेकअप आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तब भी आपके बहुत लॉन्ग लास्ट।